अभिनेता सलमान खान के ऊपर फायरिंग हुए मामले में इस साल अप्रैल बांद्रा में उनके रेसिडेंस पर जो गोली चलाई गई थी उसको लेकर शायद एक और एक कनेक्शन नया उभरा है। पनवेल टाउन पुलिस स्टेशन में नवी मुंबई पुलिस के अंतर्गत में 4 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है जिन पर आरोप है कि वो सलमान खान के पनवेल फार्म हाउस के बाहर रेकी कर रहे थे। हमारे साथ जोन 2 के डीसीपी विवेक पंसारे सर है, नितिन ठाकरे सर है और एसीपी सर भी है। इन्होंने केस पर काफी समय तक काम किया है और 4 आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया है। सर, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की टिप मिली थी और किस तरह का इन्फॉर्मेशन आपके पास अपने सूत्र से आया था? हमारे सीनियर पी आई नितिन ठाकरे, इनको अक्टूबर 2023 में एक टिप मिली थी कि कुछ लोग सलमान खान का जो पनवेल तालुका में वाजे गांव में फार्म हाउस है वहाँ पे रेकी करके गए हैं और वो उनको कुछ शारीरिक क्षति पहुंचाने के प्रयास में है। तो उसके बाद उन्होंने कुछ इन्फॉर्मर और कुछ पुलिस ऑफिसर इनको ये जो गैंग्स के अलग अलग ग्रुप्स है वो ग्रुप्स में इन्फिल्ट्रेट किया। इसमें कुछ व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम के भी कुछ फॉलोअर्स है, इनमें ये लोगों ने इन्फिल्ट्रेट करके वहाँ से इंफॉर्मेशन निकाली कि ये जो गैंग के लोग हैं लॉरेंस के, उसके बहुत सारे लोग यहाँ पे आके उन्होंने रेकी किया है। कुछ दिन ये यहाँ पे रुके भी है। सलमान खान का जो फार्म हाउस है वो फार्म हाउस उसके आजू बाजू में का जो परिसर है, जाने का जो रूट है, उसके बाद बांद्रा में उनका जो रेसिडेंस है गोरेवा में कुछ स्टूडियोज हुए वहाँ पे भी ये लोग जाके रेकी करके आए थे। ये व्हाट्सएप और इनके अलग जो ग्रुप है, जो वीडियो चैटिंग है, वीडियो कॉलिंग है, उसमें बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन सामने आए। बहुत सारे वीडियोज में इन्होंने जो वेपन्स वो इस्तेमाल करने की संभावना थी कि कोशिश कर रहे थे, वो वेपन्स भी एक दूसरे को दिखाने के वीडियोज हमारे पास आए। ये सब कंफर्मेशन होने के बाद हम लोगों ने फिर अप्रैल 24 में आईपीसी 115/120B के तहत एक ऑफेंस रजिस्टर किया और उसमें तहकीकात करते हुए इनका जो किंग पिन है अजय कश्यप, इसको हम लोगों ने अरेस्ट किया। वो पनवेल में ही उस टाइम था। उसके बाद फिर संदीप बिश्नोई उर्फ गौरव भाटिया, इसको हम लोगों ने संभाजी गुजरात से अरेस्ट किया। संभाजीनगर से हम लोगों ने वसपी मोहम्मद उर्फ वसीम चिकना, ये भी इनके गैंग मेंबर है, उसको भी अरेस्ट किया। और जिशान जकरुल उर्फ जावेद खान, इसको बैंगलोर से अरेस्ट किया। ये सब लोगों को अरेस्ट करने के बाद इंट्रोगेशन के दरमियान काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन सामने आई कि ये लोग कैसे ये जो घटना है उसको अंजाम देने वाले थे। ये लोगों ने कुछ ये घटना करने के बाद बाहर जाने का एस्केप रूट भी बनाया था, उसमें वो श्रीलंका से बाहर जाने के उनकी चर्चा चल रही थी। और वेपन्स भी कुछ बाहर से कंट्री से इनको MP5A ऐसे वेपन्स जुटाने की भी ये कोशिश में थे। जब आप कहते हैं कि बाहर से, तो क्या साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान से कुछ लोगों के साथ वो लोग संपर्क में थे और वेपन्स ट्रेडिंग की शायद बात चल रही थी? और सर, ऐसी भी एक कहानी सामने आई है कि क्या ये सिद्धू मूसे वाला टाइप ऑफ अटैक प्लान कर रहे थे सलमान खान की गाड़ी पर उसके फार्म हाउस के कहीं इर्द गिर्द? ऐसे तो इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इनके जो ग्रुप के जो डिस्कशन है वो डिस्कशन पे जब हम लोगों का और कुछ कोरोबरेटिव एविडेंस सामने आएगा तभी हम लोग उस पर यकीन कर सकते हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा। सर, FIR में लिस्ट में तकरीबन 18 लोगों का नाम मेंशन्ड है, लेकिन FIR के डिस्क्रिप्शन में ऐसा भी कहा है तकरीबन 70 लोग इस प्लानिंग में इन्वॉल्वमेंट में कहीं उनका भाग हो सकता है, जो मुंबई, पुणे, रायगढ़, नवी मुंबई से बिलोंग करते, तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, अभी हमारा जो FIR इसमें 21 लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कि जो इसमें कुछ प्रयास कर रहे थे प्लानिंग में, उसमें से 4 लोग हम लोगों ने अरेस्ट किए हैं, बाकी के लोगों के पीछे हम लोग हैं।